हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में एक ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए पेशेंट आए हैं। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन मेनली वाया सिलिकॉन इम्प्लांट, तो उनकी मार्किंग्स वगैरह हम कैसे करते हैं जो कि हमको सर्जरी के टाइम में गाइड करती है, वो सब शेयर करेंगे। इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारी जो है ये सुप्रास्टर्नल एरिया है, ये मिड स्टर्नल लाइन है, मार्किंग पहले हो चुकी है सर, उसको हम जिससे कि एजुकेशन पर्पस के लिए आगे यूजफुल रहे, हम इसीलिए आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन में डिटेल में करके बता रहे हैं। ये मिड क्लाविकुलर लाइन है, ये निपल वाला पार्ट है, ये आपका इंफ्रा मेमोरी फोल्ड वाला पार्ट है दोनों तरफ। अब ये देख सकते हैं ये इंफ्रा मेमोरी फोल्ड है। अब इसमें भी हमको इम्प्लांट करते हुए कुछ चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना होता है कि जब हम इम्प्लांट डालें तो जो निपल एरियोला वाला पार्ट है वो इम्प्लांट के बिल्कुल सेंटर में रहे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम जब डिसेक्शन करते हैं तो डिसेक्शन करते हुए अप्रॉक्सीमेटली सेंटर से 1 to 1.5 सेंटीमीटर का गैप हम रखते हैं दोनों तरफ, जिससे कि इम्प्लांट आपके दोनों तरफ के मिक्स ना हो जाए, उसको सिमेस्टिया बोलते हैं। और तो हमको हम चाहते हैं कि दोनों इम्प्लांट सेपरेट रहें और बीच में प्रॉपर क्लीवेज बने, तो उसके लिए यहाँ इस एरिया में हम डिसेक्शन नहीं करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये प्री एक्सिलरी फोल्ड है और ये वाला पार्ट है, यहाँ तक ही आपके ब्रेस्ट वाला पार्ट आता है, क्योंकि आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपके पेक्टोरिस मेजर मसल की लेटरल बॉर्डर आती है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें भी आपको मेन ये रहता है कि आपका डिसेक्शन होता है इट शुड नॉट बी मोर मीडियल, इट हैज टू बी लेटरल, तो अपन 1/3, 2/3 के लेवल पे आप डिसेक्ट करते हो। आप जो प्रोसीजर रहता है उसमें आप नीचे सीधे जाते हो फेशिया तक, तो हम सब फेशियल इम्प्लांट डालते हैं तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी एविडेंट होते हैं और वो उसका लिप भी बट रहा था और कंटूर भी अच्छे से होता है। आप कुछ जानना चाहते हैं? सर एक्चुअली बस मुझे पोस्ट इम्प्लांट की थोड़ा सा क्वेरी है कि बाद में कभी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आता। वैसे मोस्टली तो मोस्ट कॉमनली तो नहीं आता है, बस वो है कि हम इसके ऊपर बाद में स्पोर्ट्स बार प्रेशर गार्मेंट हम पहन के रखते हैं तो इसके प्रॉपर शेप या अरेंजमेंट वगैरह में, जिससे आपका जो फैट वगैरह रहता है उसका अरेंजमेंट थोड़ा सा प्रॉपर हो जाए, शुड लुक मोर यूनिफॉर्म, वो शेप उसका अच्छा लगे, वो आपको रेगुलर पहनना होता है। जो हम सूचर्स लगाते हैं वो एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं जिनको हमको निकालने की जरूरत नहीं होती है, और अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 days आपके ऊपर इस पर ड्रेसिंग रहती है, एवरी थर्ड डे आपको ड्रेसिंग चेंज करनी है। ड्रेसिंग किसी प्रॉपर नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में चेंज होगी, घर पे ये खुद अपने हाथों से चेंज नहीं करेंगे, वेरी फ्यू थिंग्स। आप वर्किंग तो आप तो अप टू 24 आवर्स शुरू कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं, वर्किंग नॉर्मल वर्क में कोई इशू नहीं है। स्पेसिफिकली बस ये कि इसके ऊपर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो, किसी भी तरह की चोट ना हो, और माइनर इनमें इम्प्लांट में थोड़ी रिस्क रहती है बस्ट होने की, वो भी आपके तब रहते हैं कि अगर सपोज करो कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हल्का सा भी लगेगा, क्योंकि वो अंडर प्रेशर रहते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर ऐसे टाइटली पैक्ड कट उसको एक एग्जिट को जगह मिल जाती है, तो हमको इसके ऊपर किसी भी तरह का इम्पैक्ट बचाना होता है कि थोड़ा सा भी इम्पैक्ट होगा तो वो इम्प्लांट के लिए फिर इम्प्लांट खराब ही होता है, फिर आपको निकालना पड़ता है, वो है। तो वो थोड़ी सी इन चीज़ों का ध्यान रखें, अदरवाइज कोई नॉर्मली कोई दिक्कत आती है नहीं 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 फिजिकल प्रॉब्लम नहीं आती। इम्प्लांट बस्ट होने के कंडीशन में भी नहीं, आपको एकदम आप उसके अंदर भी ये रहता है कि वो इट्स अ वेरी रेयर थिंग टू हैपन, और वो भी रहेगा कि मोस्टली क्योंकि आप तो यहाँ पर अभी हम करेंगे तो वो तो सब अच्छे से नहीं हो जाएगा, बाद में आपको अननोइंगली पता लगा किसी से चोट लगी, आपको ध्यान नहीं गया ठीक है छोटा मोटा कुछ होगा, पर वो चीज उसके लिए इम्प्लांट के लिए नुकसानदायक होती, तो हमको उन चीजों का ध्यान रखना है बस स्पेसिफिकली, और कुछ नहीं। रेस्ट एवरीथिंग इज ओके, नॉर्मल एक्टिविटीज आप सब शुरू कर सकते हो 24 to 48 hours के अंदर ही। वेट्स वगैरह जिम वगैरह आप अवॉइड करते हो एटलीस्ट फॉर 6 to 8 weeks। नॉर्मल वॉकिंग वगैरह में कोई इशू नहीं, नॉर्मल योगा वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं, बस स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलरली पर इस पर किस तरह का प्रेशर पड़े वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए।